देखिए सांप हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, सांप काफी लाभदायक है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारा रेड स्नेक होता है, ये सांप होते हैं। खेतों के अंदर यदि चूहों को ये ना निपटाएंगे, ये चल गया ऊपर, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ऊपर ज्यादा बड़ा सांप देखना तुम्हारी तरफ। अच्छा जी, बहुत प्यारा सांप है ये। स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है, इसकी वजह यह है हमारे बहुत खास कुछ लोग यहाँ जुड़ गए हैं। जो हमारे देखने वाले हैं वो उन्हें पहले से जानते हैं, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। तो इनसे मिलने की वजह बहुत अहम है और एक ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसे लोग इग्नोर करके जाते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करें मैं आपको मिलवाता हूँ चंद्रसेन और उनकी फैमिली से। तो चंद्रसेन जी, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है सर, स्वागत। ये बहुत बेचारे बीच में बताए थे तबीयत खराब हो गई थी इनकी। हाँ, किडनी की प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं है लेकिन दवाई का सारा चल रहा है। ऊपर वाला बिल्कुल ठीक रखे आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो दोस्तों, इन लोगों से मिलने की वजह ये थी, मैं आ रहा था ढीकली से। तो मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, पहला अधिकार यहाँ वन्य जीवों का है, इंसानों का नहीं है। जब आप जंगल में है तो लोग क्या करते हैं, सांप और बिच्छू इनको कुचलते हुए चलते हैं, मार देते, बहुत तेज तेज गाड़ी चलाते हैं। मेरे व्यूवर जानते हैं कि मैं कैसी बात करूं, क्योंकि मैंने पब्लिक को दिखाया भी है। तो सबसे पहले चंद्रसेन जी, जो आदमी जंगल आता है, सबसे पहले क्या प्रिकॉशन लें कि इनसे जानवरों, इनसे सांपों से इंसान को भी खतरा ना हो और इंसानों से सांपों को भी कोई खतरा ना हो? देखिए मुझे पहली बात मैं आपको बता दूं, जंगल के अंदर प्रवेश करने के लिए आजकल जो ये कॉर्बेट में घूमने लोग आते हैं तो इनको सांप नहीं केवल टाइगर से देखने को मिलते हैं। टाइगर एलिफेंट यानी कि वन्य जीवों को देखने के लिए आते हैं, तो जंगल के अंदर सांपों से ऐसा कोई खतरा नहीं है। परंतु यदि जो नाइट स्टे करते हैं, जो रात को रुकते हैं लोग बाग, या रात्रि में सोते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से शहर से जुड़े हुए, जैसे कॉर्बेट से जुड़े हमारे गाँव बोर्ड हैं, तो भटक के नदी नाले किनारे सांप उनके घरों में घुस जाते हैं। खतरा उस चीज़ से होता है, जंगल में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सांप किसी को देख के पीछे नहीं पड़ता, सांप किसी का दुश्मन नहीं है। धोखाधड़ी से जब घर के अंदर प्रवेश हो जाता है या रात बरात में कहीं कोई व्यक्ति बैठा होता है, उलझन उड़ाते होते हैं, तो उस भावना से उस दुर्घटना में वो शिकार बन जाता है। कभी वो अपना शिकार समझ के मुंह मार देता है या घर के अंदर घुस जाता है तो चूहे खाने के इरादे से होता है, लोग मारने का प्रयास, लोग इतनी दृष्टि से देखते हैं तो तत्काल उनको मारने की सोचते हैं। लेकिन हम लोगों से कहेंगे ऐसा नहीं मारना चाहिए, बस मेन बात है। तो जैसे आपने बताया कि गलतफहमी में काट लेता है। हाँ, गलतफहमी में काट लेता है सांप, यानी कि आदमी को देख के आदमी का दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग उसको देख के घबराहट मार देते हैं। जी, और सबसे पहली बात तो यहाँ आती है, मैंने पहले भी आपके साथ एपिसोड करे उनमें भी ये सवाल पूछा है, फिर दोबारा ये पूछ रहा हूँ कि क्या फर्क है कि जो वेनमस स्नेक होता है नॉन वेनमस में, कैसे पता करे कोई आम पब्लिक है वो कैसे पता करे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। कम से कम 350 से 500 लगभग हमारे उत्तराखंड के अंदर सांप हैं, जिसमें मात्र 6 प्रजाति जहरीली हैं। किंग कोबरा हो गया, कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, करेत हो गया, अन्य प्रकार की इस प्रकार की प्रजाति जो हैं 6-7 हमारे वो हैं जहरीले। लेकिन लोग बात क्या करते हैं, जैसे कि रेड स्नेक हो गया, पाइथन हो गया, मार देते हैं, देखते हैं और देखते ही मार देते हैं, जबकि ये सांप जहरीले नहीं होते। अब आती है पहचान कैसे पड़े, तो देखिए आम व्यक्ति तो इसकी नहीं पहचान कर पाएगा, लेकिन हम लोग इसके दांत के कांटे से सांप तो देखते ही। पहली बात तो मन से विचार हटा दीजिए कि सांप को मारना बस है। वही बात बता, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करे? देखिए जो कोई मनुष्य सामने आ रहा है, तुम समझो ये मेरा दुश्मन है, मेरा डाकू है, कुछ भी मार दोगे साथ। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, इसीलिए सांप को मारने की ना सोचे, अपने आप को बचा के चलो, क्योंकि धरती उन्हीं की है, जंगल उन्हीं का है, वो जहाँ चाहे वहाँ फिरेंगे। आप सांप के दुश्मन आप और सांप तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इंसान खुद दुश्मन है जो मार दे रहा है। बहुत अच्छी बात बोली कि आप हम उसके दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया है उसको दुश्मन। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं, जैसे बहुत से लोग डंडी से उठा कर साइड में रख दे, वो अच्छा पहचाने के तौर पर बहुत अच्छा करते हैं, वो कैसे पहचाने कि ये जहरीला नहीं है? ठीक है, मैं आपको बताऊँ, रसल वाइपर लगभग येलो कलर का होता है, जिसके ऊपर फूल बने होते हैं। मैं फोटो लगा के दिखा दूंगा वीडियो के साथ। रसल वाइपर की ये पहचान है, देख लीजिए, जिससे मैं वो जमीन पर बैठा हूँ उसकी आवाज़ जैसे प्रेशर कुकर की आवाज़ होती है, उसको जरा से भी छेड़ेंगे प्रेशर कुकर की आवाज़ निकालेगा। ज़्यादा लंबा नहीं होता, मुँह उसका चपटा सा चौड़ा सा होता है, पहचान लीजिए उसकी, नथोड़ उसके नजर आएंगे। ठीक है सर, आवाज़ करेगा, अगर आवाज़ नहीं करी तो भी पहचान लेना, पीले के ऊपर काले से गोल गोल छल्ले होते हैं, लोग उसको पाइथन समझते हैं। इसके अंदर ये बात है, वो ब्लू और ब्राउन कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, भाई ये समझ लीजिए फर्क इनमें इतना है। अब आती है कोबरे के अंदर,
तो कोबरा सांप कोई भी जहरीला होगा वो फन उठाएगा, इससे समय नहीं भी उठाएगा तो देख लेना उसका अंदर मुंह गोल होगा, और जो रेड स्नेक जो धामन होगी नॉन पॉइजन वाला उसका मुंह थोड़ा सा चपटापन होगा। ये तो बहुत कॉमन जो जल्दी दिख जाते हैं। हाँ, जो कई ऐसे स्नेक है जो लगते वेनमस है और होते नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे आप, क्योंकि ग्रीन सांपों में भी फर्क होता है। ग्रीन सांप की चोंच लंबी सी होती है, पतली सी, वो जहरीला नहीं है। जिसका मुंह इसका चपटा सा होगा मेंढक की तरह होगा वो सांप जहरीला होगा, हमें दबा हुआ होगा जिसका। हाँ, जिसके जिसका मुंह पिचकावा होगा ना दोस्तों वो जहरीला होगा। इसका ये फूले होते हैं, ये फूले होते हैं। हाँ, ये फूले होते हैं। हाँ, यहाँ से गंडा होगा यहाँ से, तो वो जहरीला सांप होगा, लगा लीजिए आप करके। और करे सांप जो इसको बेरी भी कहते हैं, वो इंसानों की सुगंध सूंघता है। और आप देखते हो महिलाओं के साथ में ज्यादा घटना होती है, बच्चों के साथ में घटना होती है, सूंघने के उपरांत वो कपड़ों में घुस जाता है। वो वैसे काटता नहीं, आवाज नहीं देता, लेकिन वो महक से, इंसान की महक से सोते हुए कपड़े में घुस जाएगा, काट देगा लोगों को। काटता कैसी जगह, जहाँ ना कोई बंध बांध सकते हैं, ना कोई उपचार का समय दे सकता है। शरीर पे काटेगा, कान पे काटेगा, जहाँ पे कुछ जहाँ कोई बंध नहीं बांध सकता, जहाँ कोई होगा तुरंत तत्काल उसकी मौत होगी। इसीलिए वो ब्लैक होती है, ब्लैक के बाद काले बंध बंधे होते हैं करे सांप से। उसके लिए हम लोग क्या राय देते हैं लोगों को, अपने अपने घरों में फिनेल डालिए, और बरसात के दिनों में घर के इर्द गिर्द को कूड़ा करकट झाड़ी फूंकर सारा हटा कर रखो, साफ सफाई रखो। कि कब, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है हमारा जंगल से जुड़ा हुआ शहर है, गांव है, इसलिए अपने आपको भी सुरक्षित रखिए। जब वो कूड़ा करकट नहीं होगा तो सांप नहीं आएंगे, सांप भी नहीं आएगा, तो उनकी जिंदगी बची रहेगी और आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात बताई, इनको बारीकी से गौर से सुनना जो स्पेशली जंगल में आते हैं या जो जंगल में रह रहे हैं। मारना हमारा ऑप्शन नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है, बस उनसे बचाव कर सकते हैं हम। दोनों का फायदा होगा, इंसानों का भी और उनका भी। अच्छा, हमारे अर्थ के लिए सांप क्यों जरूरी है? देखिए, सांप हमारे लिए नुकसान लायक नहीं है, सांप काफी लाभदायक है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारा रेड स्नेक होता है, ये सांप होते हैं खेतों के अंदर, यदि चूहों को ये ना निपटाएंगे तो नाज सारा खत्म हो जाएगा। जो रात दिन की मेहनत है किसानों की, हाथ हाथ रख के बैठ जाएंगे, समझो। जो चिड़िया पक्षी जो उनको उड़ाने खाने के लिए आती है, वो आप देखते हैं टिड्डर प्रजाति होती है, लेकिन सांप एक एक करके उनको सबको बीन देता है और नाज बचाता है। किसान का दोस्त कहा गया है सांप, ऐसा भी तो कुछ है। ठीक है, घरों के अंदर का तुम्हारे बेफजूल के चूहे होते हैं जो काटते फिरते रहते हैं, सोते साते करते हैं, वो भी एक जहरीले जैसे टाइप में होते हैं। सांप क्या करते हैं, सांप उनको निपटाते हैं, तुम्हारे घर की सुरक्षा करते हैं, उनकी मदद तो भूल जाते हैं आप, उनकी अच्छाइयां भूल जाते हैं आप। ये देख लेते, अब ये देखिए आपके सांप के अंदर जहर है तो दुश्मन नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं तो हमारी सुरक्षा, हमारी मदद। हर चीज जो है इस अर्थ पे जुड़ी हुई है, एक दूसरे, हर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक चीज को भी खत्म करेंगे उसका प्रभाव पूरी उस पर पड़ेगा। भाई ये अपनी दृष्टि से देखो ना, अपनी सही दृष्टि से देखो, सांप हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे किसानों के मित्र है, किसानों के दोस्त है, खेती बाड़ी हम लोगों की बचाते हैं, अन्यथा सारा नाश हो जाए, पेड़ पौधे सारे खत्म कर देंगे उन चूहों के लिए, इसलिए वो बचाते हैं। और बाकी तो प्रकृति का नियम है, एक दूसरे को खा खा के जीवन बिता रहे हैं, टाइगर चीतर को कर रहा है और खरगोश किसी को कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। अच्छा चंद्रसेन जी, इतनी अच्छी आप इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में भी आ रही होंगी, और जितने हमारे देखने वाले हैं वो सांप को प्यार की नज़र से ही देखेंगे जब भी देखेंगे। तो ये तो आपने बातें बताई, अब कोई, आप तीनों फील्ड में रहते हो, ये है हमारे, एक बार अपना दोबारा नाम बताओ। मेरा नाम है अर्जुन कश्यप। ये चंद्रसेन जी। मेरा नाम किशन कश्यप। अब ये तीनों को मैंने पहले भी दिखाया और इनसे रेस्क्यू भी करवाया साहब, जो भाई को बुलाया था, तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से। और दोनों मेरे बेटे हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा। हाँ, देखो पब्लिक वैसे जानती है आपको। हाँ, बहुत अच्छे से हमारी देखने वाली, फिर भी जो लोग नहीं देखेंगे, जो नए लोग जुड़ेंगे, ये उनके लिए हम बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो ये इनको सलूट है, दिल से सलाम है इन लोगों को जो अपनी जान का रिस्क लेके चीजों को बचा रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे किसी रेस्क्यू पे जाते हो, तीनों में से कोई भी, कोई ऐसी घटना बताओ जो आज भी आप याद करते हो तो डर जाते हो कि हमारे साथ ये हो गया, ये ऐसा हो गया, तो आपने काट लिया बाइट वाली को। बहुत अच्छी बात है, कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे। तो ये रामनगर के अंदर बुलाघट्टी स्थान है, वहाँ से गरीब परिवार का एक व्यक्ति आया, आने के उपरांत उसने मुझसे कहा, भाई मेरे घर चल दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान है और सांप मेरे घर के अंदर घुसा पड़ा है। उस समय पर मेरे पास ना स्कूटर था, ना वाहन था, ना कुछ था, 15 साल पहले की बात हो रही है। हम वहाँ से चले गए उधर, जाने के बाद पूरा परिवार घर से बाहर खड़ा था। जब हम अंदर गए, गलती मेरी ये हुई कि मैंने उनसे पूछा कहाँ, बोले भैया यहीं कहीं था। तो मैंने अचानक एक हाथ से जैसी बक्सा उठाया, ऐसे खिसकाया, उसने तुरंत मेरे बाइट कर दी, मैंने हाथ में काट दिया, मैंने झटका मारा, मैंने देख लिया कि हाँ खून निकल गया है, कोई बात नहीं। मैंने पहले उसे सांप को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जल्दी कट्टा मांगो भाई, कट्टा उसमें कट्टे में डाला, डालने के बाद मैंने उनसे कहा, लेकिन लोग बाग ये भूल गए कि मेरे काटा है। लोग बाग उसको देख के शोर शराबा कर, चमत्कार हो गया, अरे बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा, खिल्ली मचाने लगे, बाहर शोर मचने लगा, बहुत बड़ा सांप पकड़ लिया, कि आपको बाइट कर लिया। हाँ, ये एहसास किसी को नहीं। मैंने सबसे कहा, भाई जब मुझे सांप ने काट लिया,
मुझे किसी प्रकार से घर तक छोड़ दो जैसे आप लाए हो। वो बेचारे स्कूटर से, वो भी गरीब थे, उनके पास कोई वाहन नहीं था, किसी के द्वारा मुझे लाए गए। बहुत जिद करने के उपरांत जब उनको गाड़ी नहीं मिली, भैया वो तो चला गया कहीं कहीं मिली, मैं वहां पर मेरा दिमाग खराब होने लगा, मैं कैसे घर जाऊं। फिर मैंने एक साइकिल वाला पकड़ा, वो साइकिल वाले ने मुझे छोड़ा, रास्ते भर आते आते, लेकिन उन लोगों ने मुझे घर नहीं छोड़ा। वो मेरा दिल दुख गया कि मैंने इस घर परिवार के लिए इतना कुछ करा और ये मुझे घर तक छोड़ने नहीं आए। तो एक साइकिल वाले ने छोड़ा, भवानीगंज में आती मुझे चक्कर आ गया, गाड़ी से मैं गिरने लगा। वहां पर मैंने सबसे पहले सांप को छोड़ा कि अगर मैं मर गया तो सबसे पहले मेरे घर वाले या कोई भी लोग इस सांप को दुश्मन समझ के मार देंगे। मैंने उसको नदी में डाल दिया, नदी में डालकर उस दिन जाके मैं एक चबूतरे पर लेट गया, वहां मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे साथ के लोगों ने देखा, तो घर पे कोई नहीं था आपके? मैं घर पे पहुंच नहीं पाया, बीच में ही वही चबूतरे पर लेट गया। मेरे साथ के किसी ने देखा कि महाराज ऐसे के लोटे मुझे जगाया, मेरी जबान लड़खड़ा रही, बोला नहीं जा रहा था। मैंने इशारे से बताया, घर ले गए। फिर मेरे बच्चों ने, इन्होंने मेरे घर पे लगभग 4 घंटे 5 घंटे मेरा इलाज करा। घर मुझे वो दिन, वो मौत मेरी नजदीक से देखी हुई है। क्या आप क्या बोल रहे हो, वो आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था क्या हाथ पैर मेरे लटके हुए थे। उस दिन मुझे वो नया जीवन मिला। मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नालत दी कि ऐसी सेवा मत करो। तो 5 साल तक मैंने सर सांप पकड़ने छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद फिर लग गया। फिर 5 साल बाद मेरा दिल नहीं माना, जब लोग परेशान होने लगे, लोगों की वो स्थिति देखे, लोग सांप के कांटे से मरने लगे, फिर मैंने फिर से प्रारंभ करा, लेकिन 5 साल तक अपना आप को रोक दिया था। अच्छा, अब आपके बच्चे हैं, इनको कैसे आपने इस लाइन में डाला फिर, ये भी वही काम करे? मैंने डाला नहीं इनको, शौक से अपना, केवल मुझे देख देख के ये लोग छोटा बेटा भी है मेरा, एक अभी न्यूज, वो भी छोटा सा बच्चा, वो भी रह नहीं पाता। ये बच्चा मेरा जब छोटा था कितना बताऊं मैं, 5 साल का, 5 साल से भी छोटा था, तो इसकी कहानी छपती थी। ये सांप को लेके सोता था, सांप के बिगैर रहता नहीं था। अच्छा। इसकी बचपन की कहानी ऐसी है, उस समय लोग इसकी वीडियो चलाते थे, खुद चला, एक बच्चा ऐसा सांप के बिगैर नहीं रहता, तो बचपन ऐसे निकला है बच्चों को। तुम्हें किस चीज ने इंस्पायर करा कि सांप को मैं पकड़ूं, और कैसे पता चला कि ये चीज है, कैसे उस पर तुमने स्पेशलाइजेशन करी कि सांप है, जहरीला नहीं? एक होता है कि आपके फादर हेल्प करने के तैयार है, एक होता है अंदर से शौक, वो कहाँ से डेवलप हुआ? हम उम्र में काफ़ी छोटे थे, तो बचपन से, हम बालपन से देखते आए, हमारे मेन इंस्पिरेशन अभी तक हमारे डैडी ही हैं। तो डैडी हमारे, डैडी से ही देख के, इनका काम देख के, इनसे इंस्पायर होके लोगों की जान बचा रहे हैं, रातों को खाना ना खा करके दूसरे के घर से सांप निकाल के छोड़ के आ रहे हैं, निःशुल्क सेवा में लगे हैं, किसी को स्नेक बाइट हो जा रहा है, कोई गरीब परिवार है, वो हॉस्पिटलाइजेशन आजकल जो चल रहा है वो उन्होंने कमाई का अड्डा बना दिया। उपचार सरकार भी उपलब्ध वैसा नहीं करा रही है जो लोगों को मिलना चाहिए। हर चीज़ के प्राइस ऐसे कर दिए हैं कि आदमी मर रहा है मगर उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए भी। सरकार को इस पॉइंट पे भी काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, मैं टोक रहा हूँ इन्हें बीच में, इन्होंने एक चीज़ इसमें पॉइंट ये बोला कि ये उपचार भी करते हैं जो सांप के काटने का। और जिस दिन पापा जी को स्नेक बाइट हुआ था, कोबरा बाइट हुआ था, और 2-3 बार मुझे कोबरा बाइट हुआ है, भैया को हुआ है, तो हर बार इलाज हमारा पिताजी ही करते हैं। इन्हीं के इलाज के उपचार के उपरांत हम लोग स्वस्थ रह के अभी भी इस काम में लगे, तो यही हमारी इंस्पिरेशन है। लोगों को भी बचा रहे हैं और सांपों को भी बचा रहे हैं, तो इन्हें देख के हम आगे बढ़े। इतना माहौल मिल गया कि हम सांपों को देख नहीं सकते कि कोई उसे मारे, बेजुमान वो बता नहीं सकता क्या सिचुएशन है, वो भटक कर आपके घर में फंस गया तो आप जाके उसे मार दे रहे हो, यही उसे निकालना है सिर्फ, लेकिन मार दे रहे हो। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि सांपों को मारना नहीं है, सांपों को हमें बचाना है किसी भी कीमत। सेव द टाइगर आप सुनते होंगे, तो इसमें एक लाइन और जोड़े, सेव द स्नेक्स। मैंने बहुत देखा लोग गाड़ी चला रहे हैं, बहुत दिल दुखा वीडियो में, आप लोग भी देखना। मैंने दिल से ये कहा कि भाई देख के चलाओ गाड़ी, हल्की स्पीड में चलाओ, वो निकल रहा है उसे निकलने दो, ये क्या तेज भगाया जा रहा है रास्ते में, कोई नहीं, चलो कुछ नहीं है रास्ते में, आपने तेज गाड़ी चलाई, कोई हिरन का बच्चा आ गया, कुछ आ गया, आपको भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है, आपके एक्सीडेंट होगा, वो भी अपनी जान से जाएगा। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें जब आप यहाँ गाड़ी चला रहे हो, और छोटी छोटी चीज़ों को तो और ज़्यादा से ध्यान से चलाएं आप। मेंढक निकल आते हैं, मैं देखता हूँ कुचले पड़े हैं, सांप सब मर जाते हैं और गाड़ी वाले नहीं देखते, कोई उठाने वाला नहीं होता उन्हें। ये अब इसको अब मैं कहूंगा, अगर किसी को पाप चढ़ा किसी का, हमें ही चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, सही बात, भले जाने अनजाने में हो तो कर, तो हम गुनाही रहे, किसी जान हमसे ना जाए, जितनी कोशिश हो जाए। एक गाड़ी जा रही थी, सांप पड़ा हुआ था आगे, क्रॉस कर रहा था, मैंने उसे, उस आदमी ने पता नहीं क्या सोचा कि मैं कोई लूटने वाला हूँ उसे, क्या उसने और गाड़ी तेज भगा ली। तो गाड़ी जब तेज भगाई दोस्तों, सांप को हवा लगी, तो ऊपर वाले को बचाना था, साहब हवा से थोड़ा उड़ के आगे आ गया, तो उसके गाड़ी के नीचे नहीं आया, तो वो आगे चला गया, तो हम खड़े रहे जब तक वो आगे नहीं चला गया, किसी को हमने उधर से जाने दिया। बहुत छोटा सा स्नेक था, खतरनाक क्रेज था वो, हमने कहा पहले इसे क्रॉस करा देंगे, फिर यहाँ से निकले, फिर निकले, जब वो क्रॉस करके चला गया फिर हम निकले, फिर हम यहाँ पर आए, तो हमने एक ऐसी घटना देखी, किसी ने गाड़ी चढ़ा रखी, मर गया, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं थी इतनी कि कैसे उसे हटाते हैं, डंडी भी नहीं थी, बीच टाइगर टेरिटरी में थे, तो हमने उतरना, वहाँ क्योंकि फिर कॉर्बेट वाले, हाँ, फिर ये
ये चीजें होती हैं, खास ध्यान रखो यार, दिल से मोहब्बत है जंगलात से और इन लोगों से जो ये इन चीजों के लिए कर रहे हैं। अपने जान, सांप को बचाना अपनी जान को हाथ पे रख के मौत को दावत देने वाली बात है। कोई किसी से कहेगा ना मैं भी हड़ी आऊंगा, जी जी सही बात, कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, तुम्हारे घर में सांप आया तुम जा रहे हो, अपनी जान की परवाह ना करते। तो रात के 12-12 बजे तक जाते हैं। अभी परसों ही एक पुलिस वाले को बताना, 12:30 बजे रात को पुलिस वाले को काटा है। कहाँ पर? यही रामनगर में। अच्छा, रात को 12:30 बजे, क्योंकि उससे 2 दिन पहले उसके घर में सांप निकला तो हम पकड़ के लाए, उन्होंने हमें देखा देखी पकड़ लिया, पकड़ने का प्रयास। तो हम लोगों से ये भी कहते हैं सांप को कभी हाथ से टच मत करो, फ्री हैंडलिंग कभी मत करो, कभी भी घटना हो सकती है। उस व्यक्ति ने हमें देख के वैसी प्रयास करा और उसके साथ घटना होगी, फिर रात को 12:30 बजे उसने हमें जगाया, हमने उसका उपचार कराया। अच्छा, आज 3 दिन हुए हैं, सही हो गए वो? हाँ ठीक हो गए। अच्छा चंद्रसेन जी, अभी मैं अर्जुन भाई के बाद बाद में आऊंगा, पहले आपसे एक सवाल और पूछ लूं। बड़ा अच्छी बात बोली आपने फ्री हैंडलिंग की, जी आप पकड़ लो, तो क्या तरीका होता है सांप को पकड़ने का, कैसे पकड़ा जाता है सांप? देखिए, अगर सांप कभी होता तो हम बताते, पहली बात तो एक बैग लीजिए या पाइप लीजिए, अगर पाइप से भी डर लगता हो बैग के अंदर एक पाइप लगाइए। सांप को हमेशा अंधेरा इस्तेमाल करना पड़ता है, वो अंधेरे में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो उस बैग के अंदर कपड़े का बैग होना चाहिए, कम से कम 3-4 फुट लंबा, उसमें एक बैग वो ले लो, कम से कम 4 इंची का 3 इंची का पाइप, उसको बांध दीजिए, किसी भी सांप का इस तरह रख दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत करो, वो आराम से उसके अंदर घुसता है। वहीं डंडे से रखो और डंडे से रखो उसको बांध दो, उसके बाद भी इतना भरोसा मत करना, क्योंकि बैग के अंदर से भी दांत मार देता है, ये घटनाएं कभी भी होती है। उसको छुओ मत। हाँ, कभी मत छुओ, सबसे मेन चीज होती है। बाकी एक छड़ियां आ रही हैं आजकल, उन छड़ियों का प्रयोग करो और किसी कट्टे या बैग या डब्बे में उसको छड़ी से पकड़ के डालिए, बिल्कुल हाथ ना लगाइए, कोई भरोसा नहीं कौन सा सांप जहरीला है कौन सा क्या है, अपने आपको भी बचाओ और सांप को। अच्छा, जैसे हम कहें कि हम सीखना चाहते हैं तो उसकी कोई ट्रेनिंग होती है या फिर कैसे? हाँ हाँ ठीक है, अगर हमसे कोई सीखने के लिए कहता तो हम आए दिन वन विभाग को और पुलिस विभाग को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के समय कोई आ सकता है व्यक्ति, यानी कि एक ही बार में सिखाया जाता है, कम से कम 3 बार में टाइम लगता है उसको। अच्छी पहली बात तो पकड़ने से पहले हम उसको सांप की प्रजाति सिखाते हैं कि कौन सा सांप है और किस समय वो आक्रमण करता है, ये भी पहचान होनी चाहिए। अच्छा। कि सांप, आप देख लीजिए कोई डोगी आ रहा है तो डोगी घूमता रहेगा तो आप पहचान लोगे, कुछ तो चुपचाप आते ही काट देते हैं, कुछ वहाँ से भोंक के काटेंगे, कुछ चुपचाप कुछ नहीं कहेंगे। तो अपनी दृष्टि अपना माइंड ऐसे पहचानो कि उसको पहचान सको आप। कैसे कैसे? हाँ, तो उसके लक्षण, सांप पूछ हिला रहा नहीं हिला रहा है, सांप फन उठा रहा नहीं उठा रहा है, तो किस सिचुएशन में काटते हैं कि आप समझ जाते हो कि ये बाइट करेगा, फन मारेगा? जब उसे दो पहलू में, एक तो सांप जब अपनी जगह बैठा होगा तो वो समझेगा मुझे भूख लग रही है, वो चूहा या मेंढक समझेगा, आप कहीं बैठे आपका पैर हिल गया है, शिकार है, वो समझ के उसको तुरंत मुंह मार देगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं कि हम जैसे गलती से पैर भी पड़ा उस सिचुएशन? हाँ, बिल्कुल काटेगा, बिल्कुल काटेगा, क्योंकि आप देखिए, आप देखो, आप खड़े हो, आपको कुछ नहीं पता, कहीं सोच रहे हो, पीछे से आके कोई इस तरीके से आपके मार दे, खड़े हो जाएगा, पलट जाएगा। भाई क्या, अगर अपना है तो ठीक है, गेरो क्या मारा भाई, अपना होगा बर्दाश्त कर लोगे, दूसरा होगा तो उसके सिर हो जाओगे, तो जब उसकी तुम्हारी मित्रता नहीं है तो तुम्हारी कैसे बर्दाश्त कर लेगा? ये बात बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ट्रेनिंग का बताया, कोई भी जुड़ सकता है? हाँ, कोई भी जुड़ सकता है। कहाँ देते हो आप ट्रेनिंग? जैसे हम यहाँ भी गए हैं, क्या है जहाँ जगह, कहाँ कहाँ गए हैं? बेर पड़ाव में गए हैं, काला ढोंगी में गए हैं, और कौन सी जगह गए, कहाँ कहाँ से? रेंज कई जगह, हल्द्वानी गए हैं, हल्द्वानी उत्तराखंड में, हमारे पूरे उत्तराखंड में सब जगह, देहरादून जैसी जगह, कालागढ़ में भी कई बार ट्रेनिंग देखा गया, बन ब्लॉक सारी वीडियोज है हमारे पास उनकी, सब वन अधिकारियों, कम से कम एक साथ 200-300 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अर्जुन भाई, आपने कहा था कि आपको भी स्नेक बाइट हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? अभी 1.5 साल की बात हो गई, 1.5 साल पुरानी बात है। उससे पहले 2 बार और हुआ था कोबरा बाइट, लेकिन मैंने एक कोबरा रेस्क्यू करने गया था छोई के अंदर, काफी अंदर हनुमान धाम है, उसके नीचे जाके एक गाँव है, गाँव के अंदर किसी के घर में सांप था पेड़ के ऊपर, बट वो कोबरा काफी छोटा था और पदम टाइप, जैसे स्पेक्टिकल कोबरा जितने छोटे होते हैं उतने हेक्टार होते हैं, तो अटैक करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों से ज्यादा खतरा होता है। उन लोगों ने काफी उसे परेशान किया, आधे से ज्यादा पब्लिक क्या करती है, सांप आने पर उसे डिस्टर्ब कर देती है, तो आप लोग उसे छेड़ो मत, आप दूर से नजर रखो तो आपको भी कोई खतरा नहीं होगा और वो एग्रेसिव नहीं होगा। हम रेस्क्यू करने आते बाद में वो सिचुएशन हमारे लिए क्रिटिकल हो जाती है जब सांप ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव आप करते हो भुगतना हमें पड़ता है। अच्छा, उसे उतार के हमने अच्छा खासा रेस्क्यू करा, पूरी तरह पैक कर दिया बैग में, बैग को बांधते हुए उसने बैग के अंदर से तीत बाहर निकाल के, वेनम तीत, वो मेरे हाथ पे मार दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ लगा, छोटा था तो उसका तीत भी छोटा ही होगा, लेकिन मेरे को एहसास हुआ, मैंने दबाया तो ब्लड दिखा मेरे को, ब्लड निकला। वहां से उन लोगों ने मुझे घर छोड़ने के लिए मना कर दिया, फिर मैंने डैडी को इन्फॉर्म करा। ये चीज क्या होती है कि लास्ट मोमेंट पे लोग मना कर देते हैं घर छोड़ने, जब आपको बुला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है।
लेकिन पब्लिक को शायद ऐसा उनका काम हो गया ना, ये अगर इनको कुछ हो गया तो हम ना फंस जाएं, ये शायद एक थिंकिंग है पब्लिक में। ये क्या बात हुई कि तो आप या तो भी मारी दो सांप को भाई, किसी को पता ही नहीं चलेगा तुमने क्या कहा। जब आपने बुला लिया तो जितनी सांप की जान की कदर है इतनी इनकी जान की कदर होनी चाहिए, और जबकि इनकी जान सांप की जान से ऊपर है। जब आपने बुला लिया, सांप पकड़ लिया, अब ये परेशानी में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको हॉस्पिटल या जो भी पास वाली। उमर जी हमारे साथ तो ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं, रात को शराब पी के बुलाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं इनसे लड़ जाते हैं, बोलो तुम्हारा सांप है पकड़ के ले, ऐसे बोलते हैं हमसे कि तुम्हारा सांप है पकड़ के लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारा काम है सांप पकड़ने का। हम लोगों की ऐसी बेइज्जती, ऐसा अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस सेवा से पीछे नहीं हटते। जब उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया, अपने अपने पापा को इन्फॉर्म करा, इन्फॉर्म किया, बट मैं काफी अंदर जंगल में था, नीचे काफी हनुमान धाम से भी नीचे एक जंगल टाइप का रोड आ जाता है छोई के अंदर, तो वहां से मेरा किसी तरह आना कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा देखो हमारा ड्राइवर डर रहा है नहीं जा पाएगा आपके साथ, तो मैं उनकी कार वहां से चला के अपने घर तक आया, मैंने ही ड्राइव करी गाड़ी, गाड़ी लेके मैं घर पहुंचा हूं, सांप भी साथ में लेके आया मैंने, सबसे पहले सांप पापा जी के हाथ से दिया इन्होंने उसे। कितनी देर हो गई थी चोरी से यहां तक पहुंचने में? समथिंग लग गया था मुझे 45 मिनट से ज्यादा लग गया था कोबरा बाइक के बाद। फिर मैं यहां पहुंचा तो मुझे थोड़ा एहसास होने लगा, फिर पापा जी ने उपचार स्टार्ट कराया, जैसी ट्रीटमेंट स्टार्ट, क्या लगने लगा था आपको? एहसास होता है जैसे मेरे को जहां बाइट हुआ पहले वहां पे हल्की सी झंझनाहट सी फील हुई, उसके बाद में धीरे धीरे पूरी बॉडी में जितनी नसें मेरी उनमें ऐसा लगने लगा जैसे कुछ दौड़ रहा है, जैसे आंखों में अंधेरा सा, बुलबुलाहट सी, फिर आंखें जैसे नींद में हो या कोई आदमी नशे में होता है इस टाइप की आंखें बंद होने लगी। 45 मिनट के दौरान हो रहा है और आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ, 45 मिनट के दौरान मेरे को झपकी जैसी आई गाड़ी चलाते हुए, उस वेनम का असर ऐसा हुआ कि मेरी आंख एकदम से बंद हुई, बट मेरे पे कृपा थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, तो मैं बचा, गाड़ी से घर पहुंचा। उसके बाद घर पे डैडी ने उपचार करा, रात भर इलाज चला, अगले दिन मैं स्वस्थ हो गया। डिस्कवरी और फ्रांस के लोग आए हुए हैं, फ्रांस के सब लोग डिस्कवरी पे कई बार हमारा करा है, विदेशी लोगों ने कई बार हमारी फिल्म बनाई है, एक एक महीना लोग यहाँ रह करके गए हैं, जिन लोगों ने हमारे आते जाते पूरा जीवन बनाया है, पूरी कहानी बना बना के चलाई है। और अब तो खैर कुछ नहीं, पहले तो हमारी पुरानी पुस्तकें, हमारी किताबों में बड़ी बड़ी कहानियाँ हमारी चलती हैं, सांपों के विषय में आता है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास रखा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, ये कहीं इतिहास के पन्नों में खोते रहे वाला हिसाब हो गया, दुनिया आगे बढ़ती रही, अब सांप पे कौन ध्यान दे रहा है? सांप खैर अब तो ध्यान देने लग रहे हैं, जब से हम लोगों ने अभ्यास चालू करा है, अब लोग जानने लगे। लोग ये कहते हैं कि रामनगर के अंदर 100 सांप भी कैसे छूटे, कहाँ से आ रहे हैं? हमें कहा सांप पहले भी आते थे, परंतु लोग पहले मार दिया करते थे, जिसके घरों में निकलते थे वो मारते थे, लेकिन आज यह क्रेशू करने वाले, सुरक्षित पकड़ने वाले, जब हम पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया और आप लोगों के सहयोग से जनता देख रही है आज के सांप, पहले कौन किसको देख रहा, तुरंत मार देते थे। तो मैं इनके घर जाऊंगा कल परसों, तो मैं दिखाऊंगा भी सांप, आप थोड़ा सा एक पब्लिक को थोड़ा डेमो भी देना, पहले भी इन्होंने डेमो दिया, इनकी पुरानी वीडियो का लिंक मैं फिर ऊपर दिखा रहा हूँ और डिटेल में बनाई थी, आप उसे भी जाके देखना। पिछली बार किसी ने लाइक नहीं करा था क्योंकि सांपों में लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, तो मैं चाहता हूँ आप इनकी पुरानी वीडियो को भी जाके देखें, और हमेशा हम भी इनकी सेवा में हाजिर हैं, और जितना हमसे होगा हम करेंगे, जितना आपसे हो आप। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक हम इनसे लेते हैं इजाज़त। तो बहुत अच्छा लगा चंद्रसेन जी, आप लोग आए, दिल से खुशी हुई, मैं बहुत इनका आभारी हूँ। मैंने इन्हें कल से परेशान कर रखा था कि आ जाओ मुझे आपके साथ वीडियो बनाना है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं था, फायदा इन्हीं लोगों का था, आप लोगों का था, जनता को तो पता चलता है आपकी आवाज जनता तक जा रही है। ये राइट इसने, और ये देख लो डर नहीं रहा है इस पे। और आप एक चीज दिखाओ सर, इसकी वो दिखाना जो कितनी शाइनिंग है, कितनी शाइनिंग है इसकी, केसली उतारने के बाद और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा शाइनिंग आ जाती है, शुरू हो रहा है। अच्छा केसली उतरेगी इसकी, अब आएगा केसली, और शाइनिंग आएगी। अच्छा, तो बड़ा मजा आया, सांप तो पकड़ने का शौक है, और ये तो डेंजरस नहीं है, लेकिन आपको कभी इनसे जब लाइव ये पकड़ेंगे डेंजरस सांप तो वो भी दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा चंद्रसेन जी आपसे मिलके, जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। इनको छोड़ने की तैयारी है? हाँ, इसको इसको रेस्ट वो करिए, आप छोड़िए, फिर जब खतरनाक सांप को पकड़ने चलेंगे तो हम भी चलेंगे। बारिश का मौसम हो सकता है, एक आध घंटे में कॉल आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपको कॉल। देख लो आप सांपों के साथ कैसे खेल रहे हैं बच्चे, सांप डरने वाली चीज नहीं है, यहाँ आके उसे मिलने का यही देश था कि सांपों से डरो मत, सांपों से प्यार करो। कितना प्यारा सांप है, कितना प्यारा सांप है, यह रेड स्नेक है। तो बहुत मज़ा आया मिलके, और ऐसे जंगल से जुड़े चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा।